आपने जब ये डेफिनेशन पढ़ ली है कि भाई अगर आप सर्किल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो जो एक पार्ट एंगल बना रहा है सेंटर ऑफ सर्किल पे उसको हम वर्टिग्री बोलते हैं, सही है। तो पूरे सर्किल में अगर आप फुल रोटेट करो, लेट से अगर आप यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से करते 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 यहाँ पे आके एंड हो, तो पूरी कितनी आपके पास टोटल डिग्रीज हो जाएंगे, 360 डिग्रीज हो जाएंगे, सही है। तो वन कंप्लीट रोटेशन के अंदर, मतलब एक दफ़ा जब आप पूरा रोटेट करोगे तो जो आपके पास डिग्री कितने होंगे, 360 डिग्री होंगे, सही है। इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है फुल रोटेशन को, वो इस तरह डिफाइन किया जाता है कि अगर ये इनिशियल साइड लेट कर लो, सही, अगर ये इनिशियल साइड रोटेट कर रही है, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी ये इनिशियल साइड है तो ये रोटेट कर रही है, जब ये इतना रोटेट करेगी तो एक राइट एंगल बन रहा है, सही है, ये एक राइट एंगल बन रहा है, पूरा 90 डिग्रीज होते हैं, सही। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हाफ रोटेशन इसने कर ली है पूरी, सही है। ये हो गया 180 डिग्री, ये 270 और ये आके 360 डिग्री हो जाएगा। अगर इनिशियल लाइन इस तरह रोटेट करे कि वो एंड पे अपने आप से कॉन्साइड कर जाए, सही है, मैं रोटेट कर रही है, कर रही है, कर रही है, करते 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 अगर अपने ऊपर ही कॉन्साइड कर जाए, मतलब एंड पे अपने ऊपर ही आके गिर जाए, अपने से मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन कंप्लीट रोटेशन बोलेंगे। और पूरी कंप्लीट रोटेशन में आपके पास टोटल कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। तो वन कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री होते हैं। अच्छा, ये जो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सही, तो उसके अंदर डिग्रीज होते हैं, तो एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर आपके पास 360 डिग्री होते हैं। जो सेंटेसिमल सिस्टम होता है ना, उसमें डिग्री नहीं होता, उसमें ग्रेड्स होते हैं, सही है, किधर लिखा हुआ है ये ग्रेड, सही, और लिखते किस तरह है, स्मॉल जी लिखा हुआ होता है सुपरस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट मतलब जो ऊपर लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट जो नीचे लिखते हैं। डिग्री वाले केस में सुपरस्क्रिप्ट में हम छोटा सा एक जीरो लिखते हैं या ओ बोल दो आप, और ग्रेड में हम क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं, सही। तो जो पहला वाला सिस्टम था ना, उसके अंदर हमारे पास कंप्लीट रोटेशन के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं, और जो सेंटेसिमल सिस्टम जो है इसके अंदर कंप्लीट रोटेशन के अंदर 400 ग्रेड होते हैं, सही। इसी तरह अगर मैं एक राइट एंगल बनाऊं, राइट एंगल आप लोगों ने देखा हुआ है, सही, ये वाला ये राइट एंगल बन रहा है, तो इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। जो पहला वाला सिस्टम जो है डिग्री वाला, उसके अंदर राइट एंगल के अंदर टोटल 90 डिग्रीज होते हैं, सही है। और दूसरा सिस्टम जो है सेंटेसिमल सिस्टम, उसमें राइट एंगल के अंदर 100 ग्रेड्स होते हैं, सही। ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, असल आपने पढ़ना ही है कि राइट एंगल के अंदर 90 डिग्रीज होते हैं और सेंटेसिमल सिस्टम में राइट एंगल के अंदर 100 ग्रेड होते हैं, सही। अच्छा, जो पहला वाला सिस्टम जो है, जिस जो डिग्री वाला सिस्टम जो है, उसके सब यूनिट जो होते हैं वो सेकंड और मिनट होते हैं। सब यूनिट मतलब डिग्री के सब यूनिट मिनट और सेकंड होते हैं। एक डिग्री के अंदर टोटल 60 मिनट्स होते हैं। इसको समझने का तरीका ये है कि अगर आप एक डिग्री है, उस डिग्री को आप 60 इक्वल हिस्सों में तकसीम कर दो, सही, एक डिग्री को 60 इक्वल हिस्सों में तकसीम कर दो, तो वो जो एक जो 60 हिस्सों में आपने तकसीम किया ना, वो एक हिस्सा क्या कहलाया जाएगा, 1 मिनट। और टोटल 60 हिस्से किए तो कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे। अगर आप एक डिग्री को 60 इक्वल हिस्से में तकसीम करो तो हर हिस्से को हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट। तो टोटल 60 हिस्से तो हम बोलेंगे एक डिग्री के अंदर 60 मिनट है, सही। इसी तरह जो आपके पास वो 60 हिस्से आए थे, उनमें से एक को मैंने क्या बोला था, 1 मिनट है, सही। अगर उस 1 मिनट को आप 60 हिस्सों में तकसीम कर दो, उस 1 मिनट के 60 इक्वल हिस्से में तकसीम कर दो, तो वो जो एक हिस्सा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 सेकंड। और 60 हिस्से तो हम क्या बोलेंगे, 60 सेकंड। तो इन शॉर्ट, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, सही। नोटेशन क्या है, डिग्री में हम ये छोटा सा ओ यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट में, मिनट का जो सिंबल होता है वो ये जो हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते थे ना, प्राइम यूज करते थे, वो इसमें यूज करते हैं, और सेकंड में हम दो दफा यूज करते हैं, सही। तो ये सिंबल है सेकंड, मिनट और ये डिग्री का होता है, सही। कन्वर्जन आप किस तरह करोगे, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, अगर आप 60 को डिवाइड कर दो यहाँ पे ले आओ, तो 1 मिनट के अंदर कितने हो जाएंगे, 1/60 डिग्रीज हो जाएंगे। सिंपल ये इक्वेशन है ना यार, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो आप दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दो, तो 1/60 डिग्रीज होते हैं 1 मिनट के अंदर, सही। इसी तरह 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 1/60 मिनट होते हैं 1 सेकंड के अंदर।
एक मिनट के अंदर 1/60 डिग्रीज होते हैं, एक सेकंड के अंदर 1/60 मिनट होते हैं, और आपको पता है एक मिनट के अंदर कितने होते हैं, 1/60 डिग्री होते हैं। तो 1/60 मल्टीप्लाई 1/60 ये हो जाएगा 1/3600। तो एक सेकंड के अंदर कितने डिग्रीज हो जाएंगे, 1/3600 डिग्रीज हो जाएंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि एक मिनट के अंदर 1/60 डिग्रीज होते हैं और एक सेकंड के अंदर 1/3600 डिग्रीज होते हैं। अगर आप 1/60 मल्टीप्लाई 1/60 करो तो आपके पास आएगा 1/3600, सही। तो एक सेकंड के अंदर 1/3600 डिग्रीज होते हैं। इसको डिफाइन करने का तरीका है कि अगर डिग्री को आप 36, एक डिग्री को अगर आप 3600 हिस्सों में तकसीम करो, तो वो जो एक हिस्सा होगा ना, मतलब एक डिग्री को आपने 3600 हिस्सों में तकसीम कर दिया, वो जो एक हिस्सा होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड बोल रहे हैं, सही। और मिनट को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, अगर एक डिग्री को वही 60 हिस्सों में आप तकसीम करोगे, वो जो एक हिस्सा जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिनट बोलेंगे। आखिरी हमारे पास सिस्टम जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, सर्कुलर सिस्टम, जो हम इस्तेमाल भी करेंगे, काफ़ी काम होगा, सही। और वो क्या है, वो आपके पास है सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल का यूनिट जो है वो आपके पास है रेडियन, सही। अब पढ़ लेते हैं रेडियन होता क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सही। अ रेडियन इज अ यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल को मेजर करने का यूनिट है, दैट हैज इट्स वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सही। नॉर्मल जो भी अपने पढ़ा हुआ है एंगल का वर्टेक्स, वो ओ ले देते हैं हम, सही। ये ओ है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इस एंगल का वर्टेक्स क्या होता था, ओ ले देते हैं हम, ये सही। अगर इस एंगल के वर्टेक्स को हम सर्किल के सेंटर के ऊपर ले लें, जरा मैं जो किया हुआ है ये तो मिटा दूं, ये जो एंगल का वर्टेक्स है ना ओ, अगर इसको हम सेंटर ऑफ सर्किल पे ले लें, सेंटर ऑफ सर्किल पे ले लें, हुज इनिशियल एंड टर्मिनल साइड इंटरसेप्ट एन आर्क, जिस एंगल की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, ये इनिशियल साइड हो गई, ये टर्मिनल साइड होगी, ये इंटरसेप्ट कर रही है एक आर्क को, ये वाली आर्क है जो मैंने बोल्ड में बनाई हुई है, सही है, एक आर्क को इंटरसेप्ट कर रही है जिसकी लेंथ कितनी है, रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर है, तो हम बोलेंगे कि वो एंगल 1 रेडियन के बराबर है। ऊपर से चली गई होगी, मैं आप लोगों को तोड़ तोड़ के बताता हूँ क्या चीज़ है। सबसे पहले आप लेट कर लो कि आपके पास एक सर्किल है, ये उसका सेंटर है, और सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है, सही। आपने क्या करना है, इस रेडियस को ना जितनी इसकी लेंथ है उठा के सीधा इस तरह खड़ा कर दो, ये रेडियस थी, जितनी इसकी लेंथ थी मैंने एक लाइन इस तरह बना दी ऊपर, सही। उसके बाद क्या करो, इस लाइन को ना बेंड करके इस सर्किल के ऊपर ले आओ, ये लाइन इस तरह थी, इसको बेंड करके सर्किल के ऊपर इस तरह ले आओ, सही। जब मैंने बेंड करके सर्किल के ऊपर इस तरह ले आया, तो ये जो एंड पॉइंट था ना इसका, वो अब कहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा आप लोगों को कि ये एक रेडियस के बराबर लेंथ एक लाइन बनाई थी, उसको मैं बेंड करके सर्किल के ऊपर ले आया, अब जो ये एंड पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया, सही। अब ये जो एंड पॉइंट है उसको आप ज्वाइन कर दो सेंटर ऑफ सर्किल से। तो अब जरा आप गौर से देखो, एंगल क्या बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है जिसका वर्टेक्स सेंटर ऑफ सर्किल के ऊपर है, जिसकी इनिशियल साइड ये वाली और टर्मिनल साइड ये सर्किल को इंटरसेप्ट कर रही है, ये इंटरसेप्ट कर रही है एक आर्क, ये वाली आर्क है। आर्क हम क्या बोल सकते हैं, आर्क का होगा कि सर्किल की जो बाउंड्री है ना उसमें एक हिस्सा थोड़ा सा, मतलब कंसिडर कर लो जैसे पूरी सर्किल है ना, सॉरी पूरा सर्किल है ना ये, तो छोटा सा ये जो होगा ना सेगमेंट, या छोटी सी आप बोल दो हिस्सा जो है, इसको हम आर्क बोलते हैं, सही। तो हो क्या रहा है कि एक एंगल है जिसका सेंटर वर्टिस के ऊपर है, जिसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक इंटरसेप्ट कर रही है एक आर्क को, ये वाली आर्क है, सही। जिसकी लेंथ किसके बराबर है, रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर। आप लोगों को बताया था कि जो आर था, मतलब रेडियस के बराबर मैंने एक लाइन ली थी, उसको मैंने बेंड कर दिया था सर्किल के ऊपर, तो इस पूरी आर्क जो है इसकी लेंथ कितनी है, आर के बराबर है, सही। दूसरे मानों में अगर आप यहां से चलना स्टार्ट करो, लेट से यहां पे पहुंचते हुए आपको 5 सेंटीमीटर लगे, तो यहां पे भी अगर आप चलना स्टार्ट करोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जो आर्क जो है इसकी लेंथ कितनी है, रेडियस के बराबर है। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल होंगी तो ये दरमियान में जो एंगल बन रहा है ना सेंटर ऑफ सर्किल के ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि ये जो आर्क है, सही है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे एंड हुई है, ये पूरी आर्क जो है ये सेंटर पे जो ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है, ये वाला एंगल पूरा, सही है। इस एंगल को हम 1 रेडियन उस वक्त बोलेंगे जब इस आर्क की पूरी लेंथ किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी, मतलब रेडियस के बराबर होगी। अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होगी तो वो जो एंगल बना रही होगी सेंटर पे, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन के बराबर बोलेंगे। अब मजीद थोड़ा पढ़ लेते हैं कि हमने पढ़ा था कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन के लिए हमें कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं कंप्लीट रोटेशन में। अब ये पढ़ लेते हैं कि रेडियन में, एक कंप्लीट रोटेशन में कितने रेडियन होते हैं, मतलब एंगल जो है कितने रेडियन के बराबर होता है एक कंप्लीट रोटेशन में, सही।
अब देखो सिंपल से आपको पता है सर्कमफेरेंस किसके बराबर होता है, 2 बाय आर के बराबर होता है। मतलब अगर आपको सर्किल का रेडियस पता है, सही है, तो आप क्या करोगे उस रेडियस को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 पाई से, तो आपको बेसिकली पूरा डिस्टेंस पता चल जाएगा कि अगर आप सर्किल पर ट्रैवल करो ना तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, सवाल मेरा ये है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। एग्जाम्पल ये है कि अगर एक 50 किलोमीटर की रोड बनानी है हमें, सही, और रेगुलर हम 10 किलोमीटर की रोड बना रहे हैं, टोटल कितना बनाना है हमें 50 किलोमीटर की रोड और रेगुलर हम 10 किलोमीटर की रोड बना रहे हैं, सही है। तो अगर आपसे पूछे कि कितने दिन में 50 किलोमीटर की रोड बन जाएगी, तो आप लोग फौरन बोलोगे 5 दिन के अंदर। किया कैसे आपने, आपने 50 किलोमीटर को डिवाइड कर दिया 10 किलोमीटर से, आंसर क्या आया, 5 आया। कि अगर रेगुलर आप 10-10 किलोमीटर की रोड बनाओगे तो 5 दिन के अंदर कितनी बन जाएगी, 50 किलोमीटर की रोड बन जाएगी। इस पूरी एग्जाम्पल को ले आओ पे सर्किल के ऊपर, लेट कर लो आपने एक रोड बनानी है, इस तरह सर्कुलर शेप में रोड बनानी है, सही। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितनी इस लेंथ की आर्क चाहिए, इस लेंथ की, इस आर्क की लेंथ कितनी थी, आर थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसी कितनी आर्क आपको और चाहिए कि जिससे पूरा सर्किल कवर हो जाए, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, सही है। सवाल समझ आया आप लोगों को, कितनी आप लोगों को आर्क चाहिए आर लेंथ की कि पूरा सर्किल कवर हो जाए। हम बना के देखते हैं, रफली एक आइडिया मैं आपको देता हूँ, ये पूरी आर है, इसको भी लेट कर लो, ये पूरा आर है, सही, यहाँ तक फिर आर, फिर ये पूरी जो है ये आर के बराबर है, ये पूरी जो है ये आर के बराबर है, और ये पूरी जो है ये आर के बराबर है, तो टोटल कितने आर हो गए, 6 आर हो गए, और डिस्टेंस है। तो अगर आपसे पूछूं मैं कितने आर चाहिए आपको इस सर्कल को कवर करने के लिए, तो आप रफली बताओगे तकरीबन 6 से थोड़े ज़्यादा आर चाहिए आपको। मतलब कितनी आर्क चाहिए आपको, तकरीबन 6 से थोड़ी ज़्यादा आर्क चाहिए इस पूरे सर्कल को कवर करने के लिए, सही। तो निकालोगे किस तरह, जो पूरा सर्कमफेरेंस है ना 2 पाई आर, इसको डिवाइड कर दो आर से, सही। तो आपके पास क्या आएगा, 2 पाई आर्क, और 2 पाई आर्क अप्रॉक्सीमेटली 6.28 के बराबर होती है, सही। तो बेसिकली आपको 6.28 आर्क चाहिए आर लेंथ की पूरे सर्कल को कवर करने के लिए, मतलब पूरी कंप्लीट रोटेशन आप बोल दो, सही। इसको समझोगे किस तरह, देखो 18 जब एक आर्क होती है, मुझे पता है थोड़ा बोरिंग सा हो गया होगा आप लोगों के लिए, लेकिन ये समझाना है, सही है। अगर ये छोटी सी आर्क जो है, सही, ये कितना एंगल बना रही है, 1 रेडियन बना रही है, सही। अगर मैं एक और आर ये मैंने ड्रॉ कर दिया, टोटल कितनी लेंथ होगी, ये 2 आर होगी, सही। तो 2 आर जो एंगल बनाएगी ना बड़ा सा, ये कितना होगा, 2 रेडियन के बराबर होगा। उसके बाद ये तीसरी आर है, सही, ये जो पूरा एंगल बनाएगी बड़ा सा, ये कितना होगा, 3 रेडियन के बराबर होगा। अब अगर आप समझो एक आर्क है जिसकी लेंथ आर के बराबर है, वो कितना बना रही है एंगल, 1 रेडियन बना रही है। 2 आर्क मतलब 2 आर के बराबर जिसका डिस्टेंस है, वो कितना बना रही है, 2 रेडियन के बराबर है। 3 आर्क कितना बना रही है, 3 रेडियन बना रही है। 4 आर्क, 5 आर्क, 6 आर्क कितना एंगल बनाएंगी, 6 रेडियन। 6.28 आर्क कितना रेडियन बनाएंगी, कितना एंगल बनाएंगे, 6.28 रेडियन बनाएंगे, सही। जब आपको पता है एक आर्क 1 रेडियन बना रही है, तो 2 पाई आर्क 2 पाई रेडियंस बनाएगी, सही। तो पूरी कंप्लीट रोटेशन के लिए कितने आपके पास एंगल बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा। ये जो लंबी की है ना, बस वो मैंने समझाना था कि एक कंप्लीट रोटेशन में रेडियन में कितना एंगल बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा, सही है। उसके बाद 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है सेक्टर, दूसरा है सेगमेंट। ये देख लो क्या होता है। देखो सेक्टर बेसिकली क्या होता है, सेक्टर बेसिकली ये होता है कि जो एरिया है ना पूरा, ये वाला जिसको मैं लाइन द्वारा शो की है, एरिया बिटवीन ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस और ये वाली आर्क, इसको मैं आर्क बोलता हूँ, सही। तो 2 रेडियस और 1 आर्क के दरमियान ये जो पूरा एरिया आपके पास, ये पूरा वाला 2 रेडियस और 1 आर्क के दरमियान ये जो एरिया है आपके पास, इसको हम पूरा बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं, सही। सेक्टर को बेसिकली आप बोल सकते हो, जो आप बेस्ट एग्जांपल है पिज्जा, अगर आप उसको काटो ना और एक स्लाइस उठाओ, तो वो जो स्लाइस निकलता है ना बाहर, वो बेसिकली सेक्टर की एग्जांपल है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर, कि 2 रेडियस और 1 आर्क के दरमियान जो एरिया बाउंड हुआ है, इसको हम पूरा बोलेंगे सेक्टर। और सेगमेंट कैसे आता है, बेसिकली कॉर्ड जो है, कॉर्ड में खल में आप लोगों को पता नहीं, पता एक वर्ड होता है जिसको हम कॉर्ड बोलते हैं, सही। कॉर्ड क्या होता है, सर्किल के ना 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है, सही। और अगर वो कॉर्ड सेंटर से पास करे तो उसको हम बेसिकली डायमीटर बोलते हैं, सही। तो कॉर्ड की वजह से अगर हम इस कॉर्ड, लेट्स से कॉर्ड को हम छुरी कंसिडर कर लेते हैं, और एक कॉर्ड अगर सर्कल को काट रहा है, तो ये जो एरिया बन रहा है ना पूरा नीचे वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। तो ये जो कॉर्ड कट कर रहा है इस पूरे एरिया को, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं।